सरदार डाल बोला आ अपने नबी का वकार बताऊं, आ अपने नबी का तकद्दस बताऊं, आ अपने नबी की तहजीब बताऊं, आ अपने नबी की शान बताऊं, आ अपने नबी का कल्चर बताऊं, आ अपने नबी का घराना बताऊं, आ अपने नबी का खानदान बताऊं। का ताजदार बोला आ अपने नबी का वकार बताऊं, आ अपने नबी का तकद्दस बताऊं, आ अपने हाथों को जोड़कर अर्ज किया, ए लकी अली खान के शहजादे अब तेरे मत कर जल्दी बताते। तो ये रजा अली का पोता बोला खुदा की रजा चाहते के दो आलम, खुदा चाहता गए रजा के मोहम्मद इजाबत का जोड़ा इनायत का सेरा तो लल बन के निकली तो आए मोहम्मद रजा पुल से अब बस्त करते उतरिए के गए रब सल्लम सदाई। अरे कहना क्या चाहते हो, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एक बच्चा कहने लगा था देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे पाक होगा। मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, अब आप ही मुंह डाल दे तो बर्तन फेंक नहीं पड़ जाता। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। क्या बात है, बेशक बेशक हक है हक है, वाह 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 जिंदाबाद हजरत जी। मैंने कहा भाई कुत्ते का तो पता है इसका पता नहीं। तो बच्चों ने क्या काम किया, जब मेहमान आते ना बनके वहां भी घर वाले चाय देते, बच्चे उठाते कप डाल के सीधे कूड़ेदान पे आ जाते। अब बकायदा क्यों फेंका, पिलाई क्यों, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब्बा कहने लगे ऐसे तो सारे सामान ही फिक जाएंगे धीरे धीरे। तो फिर बाप कहने लगे बेटे देख अब नहीं पिलाएंगे मगर फेंकना मत। ये मैं उस जगह की बात है जहां मैंने पढ़ाया है। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाल दिया। क्या कहने की बात, तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, वा, वा, वा। हमारे साथ बैठ नहीं सकते। क्या कहने, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक बेशक। एक बंदे पूछा माजिए दा माना की, मैंने कल के देख क्या पहला पाके जो तो देखा ना, मैं क्या सुनो है चिंदू वेख ते कुत्ते भौंकण, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, चिन्नू वेख के कुत्ते भौंकना ओनू माविया कहंदे। अजीब तारीफ है ये। अरे अपनी फिक्र करो छोड़ो ये सब, ये तो होगा, ये तो होगा।